कैसे हो आप सब दोस्तों। यहाँ पे ना जो आप लोग बोल रहे थे ना कि उस दिन भाई सिंघम अगेन का अनाउंसमेंट टीज़र क्यों नहीं आया, तो मैं आपको ये क्लियर बता दूँ कि आने वाला था। इनफैक्ट सुना है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस इट वाज रेडी, पर यहाँ पे जिस तरीके से मैदान फिल्म को लेके, अरे 9 बार लगभग पोस्टपोन होने वाली फिल्म को लेके थोड़े से मेकर जो है मैदान के वो स्केयर थे, और उन लोगों ने सिंघम अगेन का जो अनाउंसमेंट टीज़र आने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया है। और एक्चुअली एक ट्रिक भी है, टेक्निक भी है, ये इसलिए किया है इन लोगों ने बाद में। ऑब्वियसली मैदान पे पूरा फोकस रहना चाहिए, इसीलिए भी किया, ये तो पहला इनका पॉइंट है। बाद में ये अभी वेटिंग गेम खेल रहे हैं कि जो पुष्पा का जो टीज़र आने वाला है 8 तारीख को, तो भाई ये वेट गेम ऐसा खेल रहे हैं, वेटिंग गेम, कि रोहित शेट्टी का एट प्रेजेंट कोई अच्छा लक चल चल नहीं रहा है एज अ डायरेक्टर। उसको अपने आप पे ज़्यादा बिलीव नहीं है एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। या आपने देखा होगा सर्कस के वक्त वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था, जब मूवी पीट गई बाद में अचानक उसने वापस अजय देवगन से दोस्ती कर ली। हालांकि इसने अजय देवगन को इतनी बार धोखा दिया आज तक कि अजय ने इसको बनाया, करेक्ट है, गोलमाल, ऑल द बेस्ट, पता नहीं कितने फिल्में, वो एक फिल्म थी ना बोल बच्चन भी तो थी, और कितने तो फिल्में बनाए यार। फिर भी इसने चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, और उस टाइम पे कोई शाहरुख और अजय के अच्छे संबंध नहीं थे, फिर भी दिलवाले को ओवरसीज़ में थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिला, भारत में भी ठीक ठाक मिला, पर एज़ कम्पेयर टू बाजीराव मस्तानी भारत में उतना खास नहीं मिला था। मुझे आज भी याद है दिलवाले का भारत का कलेक्शन कुछ 148 करोड़ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ओके बाद में मत बोलते रहना यार कि भाई गलत दिया। और बाजीराव मस्तानी का कुछ 180 करोड़ के ऊपर गया था जितना मुझे याद है, थोड़ा बहुत नेट कलेक्शन, तो भाई ओवरसीज़ में बच गया था दिलवाले, वरना अच्छा नहीं था। और बाद में शाहरुख खान ने इसको भाव देना बंद कर दिया रोहित शेट्टी को, तो हुआ ये कि बाद में ये बंदा वापस सिम्बा लाया जिसमें इसने सिंघम से वापस दोस्ती कर ली, मतलब वो सिंघम बाद में इसने कॉप यूनिवर्स बनाया, वो सूर्यवंशी, अब सिंघम पहले ये लाई थी उसने क्या, वो सर्कस बाद में, मतलब इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यही है कि उतना कुछ खास उसके दिन अभी चल नहीं रहे। बार बार अजय से धोखा देने के बाद भी अजय को, फिर भी ये अजय सर धोखा खाने को तैयार है इससे, क्योंकि मैं तो सीधा बोलूँ तो उस अजय देवगन ने सीधा बोलना चाहिए था कि भाई तुझसे सिंघम नहीं होगा, डायरेक्टर मुझे दूसरा चाहिए, मैं बना लूँगा सिंघम मेरी, क्योंकि हालांकि ब्रांड नाम तो मेरा ही चलने वाला है, पर भाई इसने दोस्ती फिर भी दिखाई। अब पता नहीं आगे चल के रोहित शेट्टी दिखाएगा या दोस्ती या नहीं, पर अभी भी उसका एक घमंड है कि भाई उसको क्लैश करना ही है। हालांकि मैंने सुना है एट प्रेजेंट कि अनऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है सिंघम, ये सिर्फ क्लियर नहीं कर रहे ऐसा, पर बात यह है कि वो पोस्टपोन हुई है लेकिन 1-2 वीक आगे पीछे गई होगी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पर्सनली भी नहीं चाहता भाई पुष्पा 2 और सिंघम का क्लैश हो, दो बड़ी फिल्में हैं और गड़बड़ हो जाएगी, कुछ कलेक्शन वलेक्शन दोनों पे असर होने वाला है। साउथ में सिंघम को तो कुछ भी नहीं रहेगा, नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन का क्रेज़ कोई कम नहीं है, और पुष्पा कैरेक्टर का बहुत तगड़ा क्रेज़ है। बेटर है भाई कि ऑलरेडी बॉलीवुड को इतना ज़्यादा लोग इंडस्ट्री को पसंद करते नहीं है, बेटर यही है कि ये लोग 1-2 वीक, एक तो पहले आए या बाद में आए, ऐसा ही कुछ इनका प्लान है, इसीलिए वो पोस्टपोन कर दिया गया है सिंघम अगेन का अनाउंसमेंट टीज़र। फिल्म अभी तक ऑफिशियली पोस्टपोन नहीं हुई है, अनऑफिशियली हुई है, सो वो तो वक्त बताएगा कि अनाउंसमेंट टीज़र कब आएगा। आप ये मान के चलिए अनाउंसमेंट टीज़र तो इनका आने वाला है, क्योंकि अब अगर पुष्पा का टीज़र आया है और दोनों भी एक ही मंथ में या फिर एक ही दिन पे रिलीज़ होने वाले हैं ऐसा सुना जा रहा है, तो अनाउंसमेंट टीज़र दूर नहीं है। देयर इज़ हाई चांस कि मैदान के दिन इसका अनाउंसमेंट टीज़र, मैदान रिलीज़ के दिन या फिर 1-2 दिन आगे पीछे अनाउंसमेंट टीज़र आ सकता है, एट प्रेजेंट यही रिपोर्ट है। अब आप यहाँ पे बोलोगे यार उससे पहले तो औरों में का दम था आने वाली है, भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग उस मूवी को सिर्फ पोस्टपोन किया गया है, उसका अभी तक ना कोई पोस्टर आया ऑफिशियल ना ही कुछ आया है, तो उससे ज़्यादा उम्मीद एट प्रेजेंट मत करो, सिंघम पे ही शायद फोकस है अब, तो मैदान के बाद शायद वो आ सकती है फिल्म, लेकिन उसका कोई अपडेट नहीं है सच बोलूँ तो मतलब आप ये मान के चलो कि जो भी पोस्टर अनाउंसमेंट टीज़र आएगा शायद मैदान फिल्म रिलीज़ के दिन ही आएगा, या फिर उससे 3-4 दिन के अंतर में आने के चांसेस है, क्योंकि भाई पुष्पा 2 का भी अनाउंसमेंट टीज़र नहीं हुआ, पुष्पा 2 का तो टीज़र आया होगा
तो डेफिनेटली ये लोग भी लाएंगे। अब जो रिपोर्ट से उसके अनुसार बताया,